पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैदान के लिए लेकिन सिर्फ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मैदान के। भाई डे 11 यानी कि इसके दूसरे संडे के फाइनल प्रेडिक्शन के एपिसोड में भाई आखिर किस तरीके के दोस्तों आज ये नंबर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वहीं इसके अलावा कल शनिवार को दोस्तों क्या रहा, क्योंकि मैंने रात को जो बातें बोली थी वो ऑलमोस्ट दोस्तों सही साबित हुआ। सुबह लग रहा था कि शायद कुछ 2.5 करोड़ आएगा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिया। इवन अगर हम लोग कंपेरिजन में आते हैं तो भाई साहब इसने, आप लोग कह सकते हो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को राउंड है दिया। तो गाइज कल का ऑफिशियली नेट कलेक्शन, आज का बात करेंगे क्या आ रहा है, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के कलेक्शन के ऊपर भी निगाहें डालेंगे कि भाई वो क्या कमा रहा है और कितने नंबर से गाइज वो कल बीट हुई मैदान से। तो जुड़े रहें चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करते हैं। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने कल सेकंड सैटरडे को 1,80,00,000 रुपए दोस्तों कुछ बॉक्स ऑफिस के पिटारे से निकाला, 1,80,00,000 रुपए। उससे प्रीवियस डे यानी कि डे 9 को 1,40,00,000 रुपए का दोस्तों नंबर आया था, यानी कि सिर्फ 40,00,000 रुपए ही दोस्तों इसने एक्स्ट्रा शनिवार को किया। हालांकि रात को तो हम लोग थोड़ा सा और नीचे की सोच रहे थे, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, ठीक नहीं है मतलब हो तो गया दोस्तों इसका कांड, क्योंकि बजट है इसका 300 करोड़। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मैदान की बात करते हैं तो गाइस ये मैदान ज़रूर मारती हुई दिखाई दे रही है अगर कंपैरिजन होती है BMCM से, क्योंकि इसने स्टार्टिंग की ओपनिंग कितने रुपए की ली थी, 16 करोड़ की, और मैदान ने 4.5 करोड़। तो गाइस अगर हम लोग मैदान की बात करते हैं कि कल का ऑफिशियल क्या रहा, मेरा प्रिडिक्शन 3 करोड़ का समथिंग कुछ था कि इतना आना चाहिए, लेकिन रात को तो फिर गाइस कह सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी 2.5 करोड़ की रही बॉक्स ऑफिस इंडिया की। लेकिन यहाँ पे 2,83,00,000 रुपये दोस्तों नेट कलेक्शन मेकर्स ने रिपोर्ट दर्ज किए हैं। गाइस यहाँ पे 2.83 करोड़ के ऑफिशियली दोस्तों कुछ फिगर जो है वो सामने आए, और इस तरीके से बड़े मियाँ छोटे मियाँ 53,80,00,000 रुपये ये नंबर दोस्तों मेकर्स के हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन हाउस ने दोस्तों दिया है। और अगर हम लोग मैदान की बात करते हैं तो 32,64,00,000 रुपये, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया की बात करते हैं तो गाइज वो कुछ पीछे हैं इन नंबर से। तो अगर गाइज यहाँ पे हम लोग बात करें 2024 की बॉलीवुड की मूवीज़ की किसने कितना किया, तो शुरुआत से पैमाना गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे ऊपर फाइटर ही रहेगी, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी मूवी वो है, और उसने सबसे ज़्यादा कमाई करके 215 करोड़ दोस्तों उसने कलेक्शन किया था, और उस मूवी का बजट 200 करोड़ था। हालांकि मूवी अपने बजट के हिसाब से तो दोस्तों वर्ल्ड एक हिट रह गई, लेकिन यहाँ पे उससे उम्मीदें और ज़्यादा थीं। हालांकि उसके बाद अगर हम लोग बॉलीवुड की किसी मूवी की बात करते हैं जो बहुत बड़े बजट की मूवी थी, तो वो नन अदर देन बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी, जिसने सिर्फ और सिर्फ 53,80,00,000 रुपये किया। हालांकि इस लिस्ट में दोस्तों जो अजय देवगन है उनकी 2 मूवीज़ हैं इस टॉप 10 की लिस्ट में। दूसरे में नंबर पे शैतान, जिसने 148 करोड़ दोस्तों फाइनल नंबर हासिल कर लिया है। हालांकि अभी भी कुछ शोज दोस्तों शैतान के हैं, इसके ऊपर एक और एपिसोड आएगा, लोग मांग रहे हैं कि किस किस दिन क्या क्या हुए, स्पेशली अजय देवगन के फैंस, तो जुड़े रहना, मैं एक एपिसोड जरूर लेके आऊँगा, उसमें हम लोग कई मूवीज़ के कलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ लोग मेरे से लव सेक्स और धोखा के रिपोर्ट्स मांग रहे हो, तुम पागल हो क्या भाई? मुझे एक बात बताओ, जो इसके रिपोर्ट्स मांग रहे हैं क्या ही कमाएगी वो मूवी, जब बड़े बड़े स्टार्स की मूवी औंधे मुँह गिर रही है तो भाई उसका क्या ही होगा। कैसी अश्लील मूवी थी भाई वो, मैंने तो देखा ही नहीं, हटाओ। बाकी गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस साल 2 मूवी ने 100 करोड़ पार कर लिया है। तीसरी मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसने गाइस 87 करोड़ रुपये का कुछ नंबर हासिल किया, और नंबर तीसरे में वो रही। फिर आर्टिकल 370 84 करोड़ दोस्तों उसने कुछ किया। क्रू की बात करते हैं तो 77 करोड़। तो गाइस ये जो मैंने आपको पांच मूवी जो अभी बताया टोटल, इस पांच मूवी में से पांचों के पांचों हिट हैं गाइस। इवन शैतान की बात करते हैं ये सुपर हिट, फाइटर हिट है, तेरी बातों में उलझा जिया हिट है, आर्टिकल 370 सुपर हिट है, क्रू सुपर हिट है। हनुमान की बात करते हैं तो उसने हिंदी वर्जन में 58 करोड़ दोस्तों कुछ जमा किए। फिर BMCM 53 करोड़, योद्धा 35 करोड़, योद्धा गाइस फ्लॉप, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोस्तों डिजास्टर, हनुमान हिंदी में हिट रही। मैदान की बात करते हैं तो गाइस ये भी लग रहा है कि अपने बजट के करीब नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर भी अभी उम्मीदें हैं। बाकी मदगांव एक्सप्रेस 30 करोड़, मदगांव एक्सप्रेस ऑफिशियली हिट नाउ। तो गाइज ये कुछ अभी तक का हिसाब किताब था, तो मैंने आपको ऑफिशियली नंबर कल तक के बता दिए, और टॉप 10 की लिस्ट में कौन कहाँ है एज अ मेकर्स रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग दोनों ही मूवी के कल तक के ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड के रिपोर्ट्स के ऊपर निगाहें डालेंगे, क्योंकि मेकर्स को तो सांप सूंघ गया है, कोई पोस्टर दे ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि जी स्टूडियो वालों को देना चाहिए पोस्टर,
खैर, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के शुरुआत के 10 दिनों के ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड नंबर, तो लगभग 27.5 करोड़ के ही अभी तक ओवरसीज के नंबर लोगों ने दर्ज किए हैं, और इंडिया ग्रॉस 63.25 करोड़। तो टोटल वर्ल्ड वाइड आप लोग 90 करोड़ और 70 लाख रुपये मान लो, ऑलमोस्ट 91 करोड़। 91 करोड़ दोस्तों अभी 10 दिनों में किया है बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने, यानी कि बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार वो अभी भी 100 करोड़ के गाइस कलेक्शन नहीं कर पाई, जबकि मेकर्स ने 4 दिनों के 96 करोड़ के रिपोर्ट्स दे दिए थे। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग मैदान की बात करते हैं कि मैदान के मेकर्स ने क्या ऑफिशियली कोई रिपोर्ट्स दिया, तो इनके मेकर्स ने भी नहीं दिया, लेकिन अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया की मानते हैं तो गाइज ये जो मूवी है इसने ओवरसीज से 7 करोड़ कुछ किया, इंडिया ग्रॉस से लगभग 39 करोड़, और टोटली वर्ल्ड वाइड 46 करोड़ के दोस्तों कुछ नंबर मेरे पास हैं। यानी कि 46 करोड़ रुपए इस मूवी ने दुनिया भर से 10 दिनों में कमा लिया है, और ये मूवी लाइफ टाइम 60-70 करोड़ दोस्तों करके जाएगी, 60 करोड़ तो करेगी ही करेगी, अभी ये मूवी कुछ दिनों बाद 50 करोड़ भी दोस्तों कर लेगी। तो ये सब रही पुरानी बातें, लेकिन आज क्या आते, ये है इसका दूसरा संडे। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी में निगाहें डालें तो कल की मैदान की ऑक्यूपेंसी मालूम है गाइज कितनी थी, लगभग 10.25, और आज कितना है 14%। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक के साथ एक फ्री का चोचला खत्म, 150 रुपये का टिकट नहीं है, 250-300 का मिलेगा भाई, देखना है देखो, नहीं तो जयराम जी की। बाकी गाइज आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो 30% की ऑक्यूपेंसी, अगर इवनिंग की बात करते हैं तो भाई 36% की ऑक्यूपेंसी, ज़बरदस्त। यहाँ पे मैदान भाई अभी खेल में बाकी है गाइज, ऐसा मत समझना कि मैदान छोड़ दिया। अगर गाइज यहाँ पे हम लोग शहर वाइज देखते हैं तो मुंबई लगभग 42% तक ऑक्यूपेंसी दोस्तों हासिल किया, 370 शोज। दिल्ली की बात करते हैं तो ये भी 30% में खेल रहा है, 396 शोज। पुणे तो गाइज कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, 44% की ऑक्यूपेंसी, 124 शोज। अगर बेंगलुरु की बात करते हैं तो 60%, कल भी 60, आज भी 60, 120 शोज। इवन दोस्तों अगर आप लोग चेन्नई की बात करते हो तो 80% ऑक्यूपेंसी यहाँ पे, जयपुर चंडीगढ़ 35+ की ऑक्यूपेंसी है। तो मैं अगर आज आपको बोल के चलूँ कि ये कितना कमाएगी, तो कल 2.82-83 करोड़ रुपये, तो आज 3.5-4 करोड़ के बीच में दोस्तों कुछ भी आ रहा है। मैं एक अमाउंट बोल के जा रहा हूँ, कल से 1 करोड़ एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि 3.75 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में कुछ भी मान लो, 3.75 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में आप लोग कुछ भी मान लो, यानी कि यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 32.5 करोड़ में 4 करोड़ को ऐड करते हैं तो 36.5 करोड़। जहाँ गाइस 36.5 करोड़ रुपये ये मूवी कर लेगी शुरुआत के 11 दिनों में, यानी कि इसका दो मतलब एक हफ्ता और दूसरे हफ्ते के वीकेंड में ये मूवी 36.5 करोड़ पहुँच जाएगी, और ये मूवी मुझे लग रहा है कि धीरे ही धीरे सही हाफ सेंचुरी तो लगाएगी, इतनी बड़ी फ्लॉप नहीं होगी जितना डिजास्टर ये हुई है BMCM। बाकी आप लोग बोलोगे कि BMCM का हालचाल बता, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ऑक्यूपेंसी में निगाहें डालते हैं दोस्तों, तो कल की ऑक्यूपेंसी मालूम है दोस्तों कितनी थी, लगभग 7%। आज देखते हैं संडे का क्या फ़ायदा हुआ है, हालांकि IPL भी गाइस काफ़ी चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच आ रहे हैं भाई। कल हैदराबाद 270-80 में, मतलब 66 शायद कुछ बनाया था, आज कोलकाता ने भी इतने बना दिए भाई 200 से ऊपर, तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहे हैं। लेकिन आज की अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं गाइस यहाँ पे 2D वाले वर्जन की, तो मॉर्निंग 7:45, कल से थोड़ा सा ज़्यादा है, आफ्टरनून 16 और इवनिंग 20, ठीक है कल से तो थोड़ा सा गाइस ठीक है, कल तो 20 का भी चेहरा देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं अगर आपको बोल के चलूँ कि आज ये कितना कमाएगी, कल 1.80 करोड़ तो आया, तो आज 2.5 करोड़, जी गाइस 2.5 करोड़, इससे एक अमाउंट भी ऊपर नहीं, 2.5 करोड़ दोस्तों अगर ये कमाती है तो 54 करोड़ तो लमसम आप लोग मान लो कि हो गया है, 54 के बाद 56.5 करोड़ दोस्तों इसका हो जाएगा, 56.5 करोड़। पृथ्वीराज का कितना था, लगभग 70 करोड़, राम सेतु का 76 करोड़, भाई पीछे है उनसे, बहुत पीछे, तो भाई डिजास्टर, क्या कहना है बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।